मैं तो नहीं छोड़ती अगर मैं होती, सही बता रही हूँ। हड्डियां तोड़ देती। से हो सम्राट हो, मुझे अभी बस ब्लॉग एडिट करना था और ब्लॉग एडिट करते करते मुझे ऑफिस जाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ आया है जो आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगा। फाइनली हमारे वॉल्यूम्स जो है वो आ चुके हैं। सो भाई साहब, ये सारा जो सामान है ना, हम लोगों ने सबने मिलकर उठाकर गाड़ी में रखवाया था दिल्ली में, और वहाँ से अब ये इधर आया हुआ है। फाइनली आ गया यार। मैं सोच रहा था, टेंशन में आ गया था मैं तो, कि अगर ये टाइम पे नहीं पहुँचा तो, पहले टाइम पे क्या, एक महीना हो गया है, एक महीने से ज़्यादा हो चुका है, और एक महीने से ज़्यादा हो गया है तो थोड़ा लोगों को विश्वास कम हो जाता है ना कि यार क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो सब कुछ जो था ना वो सिर्फ लॉकडाउन की वजह से था। हमारा काम तो सतर है, हम तो देखो यार, मतलब जान का जोखिम लेके पहुंच गए। और क्या, पड़ोस वाले भी बोलते भाई यहाँ बताना। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारा सामान लेके आते हैं हमेशा। और एक दुख खबर ये, मतलब बहुत दुख हुआ मुझे ये देख के यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और यहाँ पे जो कबूतर ने बच्चे दिए थे वो मर गए, अंडा भी खराब हो गया। और है ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगा इसके लिए, मतलब यहाँ कबूतर का ना रोज का ऐसा है कि वो यहाँ पे आता है और यहाँ घोंसला बनाने की कोशिश करता है, तो मैं ऊपर कुछ तो भी ना घोंसला बनाने की व्यवस्था करूंगा ताकि ऐसा आगे से ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। घोंसला टाइप बना लाते हैं, टोकरी से लगा रखे ना घर पे उस टाइप का कुछ। हाँ, पापा ने लगा रखे हैं, तो वैसे ही है ना, एक दो टोकरी ले आते हैं, ऊपर रख देंगे ताकि उसमें बच्चे आराम से सेफ। हमारे पास मोबाइल ऐसे कि घटिया से घटिया आवाज भी होगी तो भी क्लियर आती है। ठीक है, तूने कुछ भी शूट करना है आपको तो पंखा, ये पंखा वहाँ चल रहा है, एक पंखा इधर चल रहा है, आवाज ही नहीं आएगी। कूलर बंद कर दिया है, कूलर चल रहा था वो मैंने बंद कर दिया, लेकिन ये है कि इसका जो माइक है ना बहुत अच्छा वाला है। और कल जो हमने जिस कैमरे से शूट किया था वो कैमरा जो है बड़ा वाला था, उसका माइक भी बहुत बड़ा वाला था, मतलब ऑलमोस्ट उसका माइक जितने का ना उतने का ये पूरा कैमरा है लगभग। थोड़ा बहुत अंतर आ जाएगा, इसकी तो बात ही निराली है। और ना कल के जो शॉट थे ना बहुत गजब के थे यार, ड्रोन शॉट इतने गजब के लिए ना हम लोगों ने चौड़ी सर गया, ऐसा लगता है सारा विकास जो है ना उन्होंने वहीं कर दिया। और जो मायावती जी थी ना, उन्होंने लखनऊ चमकाया, नोएडा चमकाया, अपना गाँव चमकाया, आस पास के पूरा, उन्होंने पूरा यूपी चमकाया, तो ऐसा हो सकता है। बाकी मुझे ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो नीचे कमेंट मत करने लग जाना कि अखिलेश जी ने ऐसा किया वैसा किया, तो उसके मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा अभी तक के मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। यानी गिन रहा है अभी टोटल, मजा आ जाएगा। अब यहाँ अगर हम खड़े होकर वीडियो बनाएंगे तो आवाज़ नहीं गूंजेगी। इतना सारा सामान भर गया है यहाँ पे, और ये सारा वॉल्यूम्स जो है ना ये ऑलरेडी सेल हो चुका है, मतलब ये सेल करने के लिए नहीं मंगाया, इसमें 99% वॉल्यूम सेल हैं, और जिनके पेंडिंग थे उन सबको हमको भेजना है तो वो जल्दी जल्दी हम भेज रहे हैं। और अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो आप प्री बुकिंग कर सकते हो, लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में, और आपकी बुक्स भी इसी तरह से आएंगी और आप तक पहुँचा दी जाएंगी। हमारे चीफ एडिटर नहीं, हमारे चीफ पैकर चीफ पैकर अभी अकेले पड़ गए पैकिंग कर रहे हैं, तो मैं भी मिल के साथ में पैकिंग करा दें। तो हमारी सारी पैकिंग हो गई है आज की, और ये इंडियन पोस्ट से तो हम कल सुबह सुबह डाल देंगे, सुबह डाल देंगे ना अपन। हाँ, ध्यान रखना, तेरी जिम्मेदारी। ठीक है। और जितने भी वॉल्यूम्स हैं ना उनको हम कल पैक करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ध्यान से भेजना है, लास्ट टाइम बहुत बड़ी गड़बड़ी हो गई थी और जिसके कारण हमको बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ा था, तो बहुत ध्यान से काम करना। और आप लोग वॉल्यूम्स ऑर्डर कर सकते हैं अभी। क्या देख रही है, मेरे वीडियो देख रही है? हाँ। ये क्या बोल रही है, ये क्या बोल रही है बहन जी के बारे में? तो आपको भी बोला नहीं, कर क्या रही है और सीएम को क्या बोल रही है? ये देखो आप, जिंदगी इसी में निकल जाएगी, इसी कारण इसी में आज भी लगी। मैंने इसलिए नहीं बोला
मैंने इनके चेहरे भी इसने ढाक दिए थे और ये खुद जो है ना वो मनुवादियों के द्वारा शोषित किया जा रहा है, महिलाओं किया जाता था। बाकी अम्बेडकर जितनी महिलाएं हो गई वो थोड़ी समझदार हो गई हैं, तो मैंने ऐसा लगा कि यार मैं इनसे अगर बहस करूंगा तो कोई फायदा नहीं है। बहस नहीं, लेकिन जवाब देना चाहिए था। मैं तो नहीं छोड़ती अगर मैं होती, सही बता रही हूँ। हड्डी तोड़ देती। मैं मतलब आज तक की लाइफ में कभी नहीं हुआ ऐसा। मेरे को बहुत जब मैंने देखा ना तो इतना बुरा लगा ना मुझे सुन के, बहुत गुस्सा ही खून खोल गया एकदम से अंदर लाते इस चीज से। जब सामने ये बोल रही है इस तरीके से, बाद में ये लोग करते क्या होंगे। तो अब आप लोग भी ये पूछेंगे कि क्या मेरा खून खोला था। डेफिनेटली मेरा भी खून खोला ही होगा, लेकिन क्या था कि मैं उस समय गाड़ी चला रहा था और मैं उस समय गाड़ी को बैक करने की सोच रहा था और उसी टाइम उन्होंने आप देखोगे ना पलटते हुए ये बात बोली थी, तो ये चीज़ मैंने नोटिस नहीं कर पाई थी। लेकिन ये बात नोटिस की मनोज भाई ने और उन्होंने जब मुझे बताया तब मेरा खून खौल उठा था, लेकिन मैंने ये देखा कि वो महिलाएं जो हैं गोबर थाप रही हैं और चार बार की सीएम के लिए वो ऐसा बोल रही हैं, तो अंदर से एक फीलिंग आई ये खुद जो है ना वो मनुवाद की शिकार हैं और इनका खुद का शोषण हो रहा है वो भी इन्हीं के परिवार के द्वारा, ये बात इनको ही नहीं पता है। तो मुझे थोड़ा सा हंसी आई थी और इस वजह से मैं मनोज भाई को बोला था मनोज भाई रहने दो। मायावती जी ने ना जो कुछ भी किया है उससे अगर उन लोगों का भला नहीं हुआ है ना तो वो अपना विरोध जता सकते हैं, उसमें हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन किसी को जातिगत गाली देना ये बिल्कुल ही गलत है। सच बता रहा हूँ, कभी अपने जीवन में मैंने प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें अपनी आंखों से नहीं देखी थी, लेकिन उस दिन ये सब मैंने को देखा और एहसास हुआ कि कितना जातिवाद भरा हुआ है और हम विश्व गुरु होने की बात करते हैं। जब मायावती जी जो चार बार सीएम रही हैं, जब उनके खिलाफ ऐसा बोला जा सकता है, उनको जातिगत गालियां दी जा सकती है, तो आम व्यक्तियों के साथ क्या होता होगा। तो इसी कारण रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, इसी कारण एट्रोसिटी के एसटीएससी कानून बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आम व्यक्ति तो बेचारा ये कानून का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी एक डर है लोगों के मन में कि अगर हमने कुछ बोला तो ये हम पर एक्ट लगवा देंगे। और इनसे बहस करने का मतलब था कि भैंस के आगे बीन बजाना, तो वो मैंने नहीं बजाई मैंने। और अगर हम कुछ बोल बाल के चले जाते वहाँ से या कुछ लड़ लेते तो हो सकता है कि उनको पता था कि हम मायावती जी के घर जा रहे हैं, तो वो वहाँ पर कुछ दंगा या कुछ भड़क जाता कि ये लोग आए थे, ये लोग लड़के चले गए, बहस कर। हालांकि औरतें थी, हम हाथ पाँव तो वैसे भी नहीं चलाते, बट ये मैं चाहता हूँ कि इन औरतों को एहसास होना चाहिए कि ना वो उन्होंने गलत किया है और वो उनको शर्मिंदा होना चाहिए इस बात पर। तो ऑन द स्पॉट बहुत सारे फैक्टर थे जो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में घूमने लगे, तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को यहीं दबाना चाहिए, क्योंकि हम जिस काम के लिए आएँ वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिविटी फैलाना, लोगों को बताने की बहन जी मायावती जी ने क्या किया। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। कीप सपोर्टिंग।